नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यू स्मार्ट न्यूज चैनल में। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर लोकल ट्रेन को लेकर। लोकल में एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा भय बना हुआ है, क्योंकि लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में कई इलाकों में जो है संदिग्ध जो है घटनाएं हो रही हैं, और इसी मामले को देखते हुए मुंबई पुलिस काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। दिल्ली सेल ने जैसे ही 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद आज यानी कि शनिवार के दिन, जी हाँ, एक नए संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है मुंबई ATS के द्वारा, और जिसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो जोगेश्वरी का रहने वाला है और वो मुंबई में कहीं ना कहीं जो है बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। अब गणपति यानी कि गणेश चतुर्थी का आगमन हुआ है, तो जाहिर सी बात है मुंबई में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को आपको मिल सकती है, काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी और धारा 144 लागू कर दी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन तमाम संदिग्ध आतंकवादियों का जो प्लान था वो चौपट हो गया। लेकिन अब सरकार जो है इन तमाम लोगों को खोज कर निकाल रही है। कुछ के तार धारावी इलाके से जुड़े हैं और जो नए आतंकवादी पकड़े गए हैं वो जोगेश्वरी से। इन तमाम लोगों से पूछताछ जारी है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर पूरा साजिश क्या था वो जनता के सामने आ जाएगी। बात करते हैं कोरोना अपडेट्स को लेकर, तो कोरोना की रफ्तार मुंबई में एक बार फिर से बढ़ती जाती नजर आ रही। पूरे महाराष्ट्र में 3600 से करीब मामले निकल कर आए, जिसकी वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पे लॉकडाउन लगाने की घोषणा आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर की जा सकती है। पुणे, मुंबई, ठाणे, पनवेल, पालघर, इन तमाम जिलों को एक बार फिर से लॉकडाउन में जाना पड़ सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में।